पैसे हड़पने के मकसद से किसी के साथ प्यार का झूठा नाटक रचाने के बाद भी उसे अपना दिल दे देना, कुछ इसी तरह की कहानी के साथ पर्दे पर प्रसारित की गई थी साल 2002 में आई फिल्म हमराज, जिसकी कहानी ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया था बल्कि इस फिल्म की कहानी को दर्शकों ने इतना ज्यादा पसंद किया था कि आज भी दर्शक इस फिल्म को रिपीट करके देखना बेहद पसंद करते हैं। और इसका पूरा क्रेडिट जाता है फिल्म में नजर आए कलाकारों को, जिन्होंने अपने किरदारों को न सिर्फ पर्दे पर उतारा था बल्कि ये अपने किरदारों की वजह से खूब फेमस हुए थे। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको इन कलाकारों के बारे में नहीं बल्कि इनके रियल लाइफ चाइल्ड के बारे में बताने वाले हैं, जो कि इनसे बहुत प्यार करते हैं और इन्हीं की तरह काफी सक्सेसफुल हैं। तो देर किस बात की, चलिए जानते हैं कौन से हैं वो कलाकार और उनके रियल लाइफ चाइल्ड। नंबर एक, शीला डेविड। फिल्म में अभिनेत्री शीला डेविड को सहायक अभिनेत्री के तौर पर रोजी के किरदार में देखा गया था, जिनकी इस जबरदस्त भूमिका ने फिल्म में एक अलग तरह का एंटरटेनमेंट का तड़का लगाया था। वहीं अगर बात करें इस बेहतरीन अदाकारा के रियल लाइफ चाइल्ड की, तो बता दें कि इनकी इकलौती बेटी है जिनका नाम है मदालसा शर्मा। जी हाँ, वही मदालसा शर्मा जिन्होंने साल 2018 में मिथुन चक्रवर्ती के बड़े बेटे महाक्षय चक्रवर्ती के साथ घर बसाया था। बता दें कि शीला डेविड की बेटी मदालसा भी इन्हीं की तरह फिल्म एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने फिल्मों के साथ साथ तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और पंजाबी फिल्मों के लिए भी काम किया है और इन सभी इंडस्ट्री में ये काफी सक्सेसफुल भी रही हैं। नंबर दो, जॉनी लीवर। हर फिल्म की तरह इस फिल्म में भी अभिनेता जॉनी लीवर को सहायक अभिनेता के तौर पर ठहाके लगाने वाले मिस्टर दर्शन के किरदार में देखा गया था, जिनके कॉमेडी अंदाज को दर्शकों ने अपना बेहद प्यार दिया था। वहीं अगर बात करें इस कॉमेडी किंग के रियल लाइफ चाइल्ड की, तो इनका एक बेटा और एक बेटी है जिनका नाम जेसी लीवर और जेमी जनुमाला है। आपको बता दें कि इनके दोनों ही बच्चों ने अपने पिता की तरह ही अपना प्रोफेशन चुना है, जहां इनकी बेटी जेमी जनुमाला एक स्टैंड अप कॉमेडियन के तौर पर काम करती हैं, तो वहीं जॉनी लीवर के बेटे जेसी लीवर ने हाल ही में आई फिल्म वॉर में मुथु का साइड रोल निभाकर बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखा है और अब ये अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए भी जोरों शोरों से तैयारी में लगे हैं। नंबर तीन, सुहासिनी मूले। फिल्म में दादी माँ के किरदार को भला कोई कैसे भूल सकता है, जिसे निभाया था बेहतरीन अदाकारा सुहासिनी मूले ने, जो कि अपने इस किरदार के जरिए खूब पॉपुलर हुई थी। वहीं अगर बात करें दादी माँ के किरदार को निभाने वाली सुहासिनी मूले के रियल लाइफ चाइल्ड की, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुहासिनी मूले की अपनी कोई संतान नहीं है, लेकिन हमराज फिल्म में बॉबी देओल, अक्षय खन्ना और अमीषा पटेल के साथ उनकी दादी का किरदार निभाने के दौरान से ही ये उन्हें आज भी बिल्कुल अपने सगे बच्चों की तरह ही प्यार करती हैं। नंबर चार, बॉबी देओल। इस फिल्म में अभिनेता बॉबी देओल के राज सिंघानिया का किरदार तो आपको याद ही होगा, जिसे बॉबी देओल ने इतनी खूबसूरती से निभाया था कि इनके सादगी भरे अंदाज का हर एक शख्स मुरीद हो गया था। वहीं अगर बात करें बॉबी देओल के रियल लाइफ चाइल्ड के बारे में, तो इनके अपने दो बेटे हैं जिनका नाम आर्यमन और धर्म देओल है। बता दें कि आर्यमन बॉबी देओल के बड़े बेटे हैं, जो कि 19 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं और इन दिनों ये अपने बॉलीवुड डेब्यू को लेकर भी काफी सुर्खियों में हैं। ये वायरल तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब छाई हुई हैं। वहीं बॉबी देओल के छोटे बेटे धर्म अभी महज 16 साल के हैं और अपनी पढ़ाई पर फोकस कर रहे हैं, जिन्हें लाइमलाइट में काफी कम ही स्पॉट किया जाता है। पांच, अमीषा पटेल। मुख्य अभिनेत्री के तौर पर प्रिया के जबरदस्त किरदार में नजर आई थी अभिनेत्री अमीषा पटेल, जो भले ही राज की जायदाद हड़पने के मकसद से उसके पास आती हो, लेकिन ये राज को अपना दिल दे बैठती है। वहीं अगर बात करें प्रिया के किरदार को निभाकर मशहूर हुई अभिनेत्री अमीषा पटेल के रियल लाइफ चाइल्ड के बारे में, तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि अमीषा पटेल ने अभी तक अपना घर नहीं बसाया है, जिसके चलते इनकी अपनी कोई भी संतान नहीं है। अक्षय खन्ना। कल्होत्रा की नकारात्मक भूमिका को निभाकर लाखों करोड़ों लोगों से जमकर तारीफें बटोरने वाले अभिनेता अक्षय खन्ना आज भी अपने इस किरदार के लिए खूब मशहूर हैं। वहीं अगर बात करें अभिनेता अक्षय खन्ना के रियल लाइफ चाइल्ड की, तो बता दें कि अभिनेत्री अमीषा पटेल की तरह अक्षय खन्ना ने भी अभी तक शादी नहीं रचाई है। हालांकि इनका नाम कई बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के साथ जोड़ा गया था, लेकिन ये आज भी सिंगल हैं और इसी हिसाब से इनका अपना कोई चाइल्ड नहीं है।
तो आपको हमराज मूवी के इन चुनिंदा कलाकारों में से किस कलाकार का किरदार सबसे ज्यादा रोमांचक लगा था? आप हमें उनका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी और इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।